महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुरुवार को संबद्ध दूसरे कॉलेजों के प्रबंधकों ने फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। कुलपति टीएन सिंह से मुलाकात को लेकर के दर्जनों प्रबंधक जबरदस्ती चैनल गेट से उनके ऑफिस में घुसने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान सुरक्षा में लगी महिला सुरक्षाकर्मी संगीता तिवारी से प्रबंधकों ने अभद्र व्यवहार किया और भीड़ में किसी ने महिला सुरक्षाकर्मी पर हाथ भी चलाया। कुलपति टीएन सिंह ने बताया कि प्रबंधकों और प्रिंसिपलों द्वारा निंदनीय कृत्य किया गया है। 5 लोग आकर अपनी बातों को कह सकते थे। उन्होंने बताया कि बिना किसी सूचना के प्रदर्शन किया गया है, पूरे मामले पर कार्यवाही की जाएगी। 2018-19 में सरकार ने सर्कुलर निकाला था, हर क्लास में CCTV, पेपरों की छपाई क्लियर हो, मूल्यांकन में वृद्धि जैसे मुद्दों को सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल अपने स्तर से उठाएगा। वृत्ति समिति में निर्णय हो चुका था, वृद्धि या कोई भी कटौती वित्त समिति में ही तय हो सकती है। आज प्रदर्शन बिना बताए किया गया है, जिस पर कार्यवाही रेखांकित करके किया जाएगा। पीड़ित संगीता तिवारी ने बताया कि पूरी भीड़ कुलपति ऑफिस में घुसना चाह रही थी, मेरे साथ एक सुरक्षाकर्मी था। चैनल गेट पर मुझसे इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, साथ ही धक्का देते हुए फाइटिंग भी मारा। यहाँ पे तमाम प्रकार के विद्यालय के जो महाप्रबंधक लोग आए थे, जैसा कि ये लोग धरना के उद्देश्य से आए थे यहाँ पे, और माननीय कुलपति महोदय टीएन सिंह का आदेश था कि यहाँ पे 5 जो है प्रबंधक लोग जाकर ही बात करेंगे कुलपति महोदय से। और ये विद्यालय के काफ़ी लोग समझाने पर ही मानने के लिए नहीं उतारु थे, और कुलपति महोदय के गाली गलौज करते हुए ये लोग चैनल पर, 2 कर्मचारी हम लोग तैनात थे, एक महिला सिक्योरिटी हम थे, एक विजय बहादुर सिंह थे, ये लोग जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए दल बल के साथ, और हम सबसे आगे थे, ये लोग हमको धक्का हुए थे, बल्कि इनके पीछे के 2 आदमी थे, उन्होंने मेरे पर फाइट भी मारा, और उसके बाद भी ये लोग धक्का करते हुए हमने किसी भी कीमत पर इनको अंदर जाने नहीं दिया, इसीलिए लोग हल्ला हो, लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाए, हाथामुखी करने पर। आज विश्वविद्यालय के कुलपति के अगेंस्ट में बाहर के महाविद्यालयों के प्रबंधक का आपसी कुछ मीटिंग था, और उन लोगों का अपना पर्सनल कुछ विषय बिंदु पर मीटिंग था। अचानक हम लोग विश्वविद्यालय में कुलपति जी से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तो गेट पे जो हम लोग विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी हैं उनके साथ महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों और कर्मचारियों के द्वारा नोकझोंक किया जा रहा था। इसके वजह से विश्वविद्यालय के सारे छात्र एकत्रित होकर महिला सम्मान के लिए उनके साथ संघर्ष किए और उनको विश्वविद्यालय से बाहर निकालने का प्रयास किए, क्योंकि महिला उत्पीड़न के लेकर केंद्र से भी तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए। अब विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षण संस्थान के मालिक जो विश्वविद्यालय कॉलेज चला रहे हैं उनके द्वारा ये घोर निंदनीय काम है, उनको इस पे समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उनकी जो विषय वस्तुएं हैं उनको अपने डेलीगेट्स टीम को लेकर कुलपति से मिलकर अपना काम करना चाहिए। ये घोर निंदनीय है, और विश्वविद्यालय कुलपति के द्वारा इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, और महिला जो कर्मचारी है उनसे मुकदमा कर इन पे FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं, फीस वृद्धि का मामला जो है वित्त समिति से निर्णय होता है, और 2006 के बाद पहली बार फीस में थोड़ी सी वृद्धि की गई थी, और बाद में कुछ अवरोध आया तो उसमें कटौती भी की गई। 2006 के बाद कभी फीस वृद्धि नहीं हुई। पिछले दिनों सरकार ने 2018-19 में एक सर्कुलर निकाला कि मानक के अनुसार आप विद्यार्थियों को सुविधा दीजिए, जिसमें कि कैमरा लगा होना चाहिए हर कमरे में, परीक्षा में अच्छे पेपर्स आने चाहिए, अच्छी छपाई होनी चाहिए, उसके बाद पर्यवेक्षक जो हैं उनका जो मानदेय है उसमें वृद्धि हुई, मूल्यांकन में वृद्धि हुई, और उसके साथ साथ स्पष्ट निकला कि ये सारे जो वृद्धि है इनका भार जो है विश्वविद्यालय अपने स्तर पे वित्तीय भार सहेगा, प्रशासन से कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसको देखते हुए कि हर विश्वविद्यालय ने थोड़े मोड़े जिनके जितने थे, जितनी संख्या थी, उसके अनुसार वृद्धि की गई है। वृद्धि करने के बाद प्रबंधकों का एक बार छोटा सा 5-6 प्रबंधक आए थे, मिले थे, मैंने कहा था कि आपका जो भी है ग्रीवांसेज उसको वित्त समिति में रखा जाएगा। उसी दौरान वित्त अधिकारी हमारे रिटायर कर गए, दूसरे वित्त अधिकारी आए वित्त विभाग में, अभी हमारे पास रेगुलर ऑफिसर हैं। जहाँ तक वित्त समिति की बात है उसमें बाहर से व्यक्ति आते हैं, ये विश्वविद्यालय की कमेटी नहीं है, उसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य, माननीय सदस्य होते हैं। अब जब उनके सारे लोगों का समय मिलेगा उसके बाद ही कोई भी निर्णय हो सकता है, और ये मैंने उनको पहले स्पष्ट बता दिया कि ये निर्णय जो है इसमें कोई भी परिवर्तन केवल वित्त समिति से हो सकता है। नहीं, आपने ये भी देखा होगा तब कि किसने बदतमीजी की है,
प्रबंधकों के द्वारा जो किया गया है ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक प्रबंधक और किसी प्रिंसिपल से इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती है। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई की? निश्चित तौर पर उसको रेखांकित करके कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना बताए हुए बिना सूचना के हमारे कार्यालय कुलसचिव के कार्यालय को बिना सूचना दिए हुए इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन पर शासन के द्वारा रोक है, तो ये तो अवैधानिक है, 144 लगा हुआ है और केवल छात्रों के प्रदर्शन के लिए हमने जगह चिन्हित किया है, प्रबंधकों के प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं चिन्हित किया है। मैंने आपको कहा कि नियमानुसार जो एक्शन होगा कठिन से कठिन लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त विश्वविद्यालय नहीं करता है और सारे विश्वविद्यालय परिवार यहाँ के शिक्षक छात्र कर्मचारी इस तरह के कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं।